सो हे गाइस, तो स्वागत है आपका आज के एक और न्यू वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऑलराउंडर डिवाइस के बारे में, जो कि होने वाला है अपना आईफोन 13। एंड गाइस देखो, ये आपके डिमांड पे होने वाली है वीडियो, तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि वीडियो को पूरा वॉच करना, बिकॉज ऑफ गाइस जो जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वो सब आपके काफ़ी काम आने वाली है, ठीक है। एंड बेसिकली इस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड हैंड आईफोन 13 के बारे में, क्योंकि गाइज अगर इसकी करंटली प्राइस की मैं बात करूं तो अराउंडली आपको ये 35,000 रुपीज़ में मिल जाता है। मीन 35 से स्टार्टिंग है इस फ़ोन की प्राइसिंग की। एंड अगर मैं बात करूं कि आपको आईफोन 12 की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि 12 की अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो 28K के अराउंड मिल जाता है। तो मीन 7,000 रुपये का फ़र्क है दोनों के फ़ोन की मतलब प्राइस रेंज के अंदर, 7,000 रुपये का आपको फ़र्क देखने को मिलता है। तो बात करेंगे कि कौन सा फ़ोन आपको परचेज करना चाहिए, आपको आईफोन 12 की तरफ जाना चाहिए या फिर आपको आईफोन 13 की तरफ जाना चाहिए, या फिर एक और गाइस सबसे बेस्ट है इसके साथ ही 12 प्रो भी आपको 38K के अराउंड मिल जाएगा। मीन्स 13 से 3,000 रुपये एक्स्ट्रा बस। अगर मैं बात करूँ दोनों की ही प्राइसिंग सिमिलर ही मान के चलो, बिकॉज ऑफ गाइस कहीं पे आपको 13-38 का मिलेगा एंड कहीं कहीं पे आपको 12 प्रो भी 35 तक का मिल जाता है, ठीक है। तो बेसिकली बात होगी कि कौन से फ़ोन की तरफ आपको जाना चाहिए, कौन सा फ़ोन लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो अगर आप इन तीनों फ़ोन में कन्फ्यूज थे तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बात करते हैं सबसे पहले आईफोन 13 के बारे में। इसके बारे में मेरे क्या ओपिनियंस रहते हैं, मैं पहले अपने ओपिनियन रख दूं। तो सबसे पहले थोड़े बहुत इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं डिस्प्ले की, तो आपको इसके अंदर 6.1 इंचेस की एक XDR OLED डिस्प्ले भी देखने को मिलती है। ओवरऑल तीनों ही फ़ोन की डिस्प्ले सेम है, बस ब्राइटनेस का थोड़ा बहुत आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। अगर मैं ब्राइटनेस की बात करूँ तो 800 निट्स से लेके आपको 1200 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। आउटडोर में आपको 1200 निट्स तक की ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, इंडोर में आपको 800। ओवरऑल मैं बात करूँ इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी ख़तरनाक है, मतलब कोई भी इशू है ही नहीं डिस्प्ले में। अगर आप जो भी बोलो कि अगर मैं रेट करूँ इसको, तो डिस्प्ले 10 out of 10 दूंगा मैं। एंड ओवरऑल iOS के डिस्प्ले ख़तरनाक ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि सैमसंग बनाते हैं, जो भी समझ लो गाइस, मतलब डिस्प्ले में आप कोई भी कमी नहीं निकाल सकते, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ प्रोसेसर की, तो A15 पे पावर्ड है, A15 बायोनिक चिप है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है। अगर मैं बात करूँ इसकी परफॉर्मेंस की, तो ये 3.2 GHz पे क्लॉक्ड है। अगर मैं बात करूँ इसकी पावर की, तो इसके अंदर गाइस इतना पावर है कि आप सोच सकते हो कि अपना जो इसका अगला वेरिएंट है आईफोन 13 प्रो, वो 90 FPS पे गेमिंग करवा देता है। तो गाइस प्रोसेसर तो दोनों ही फ़ोन्स के अंदर सेम है, बट फिर भी आप समझ लो कि अपना जो आईफोन 13 है वो तो 60 FPS पे ही उसकी डिस्प्ले कैप्ड है, जिसकी वजह से उसमें 90 FPS आप चाह के भी इनेबल नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी कर लो। बट अगर मैं बात करूँ गाइस परफॉर्मेंस की, तो A15 बायोनिक चिप आप समझ लो कि एक बहुत पावरफुल चिपसेट है। एंड अगर मैं बात करूँ इसके अगले कितने सालों तक इसको एक प्रॉपरली यूज़ कर सकते हो, मतलब अगर आज की डेट में आप इस फ़ोन को परचेस करोगे तो कम से कम भी गाइस 6 साल तक आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। 2030 तक आपको इस फ़ोन में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी, सिवाय बैटरी को छोड़ के, एंड अगर हार्डवेयर इशू आते हैं तो छोड़ के, ठीक है, बिकॉज ऑफ उन सब का तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता। ओवरऑल मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो गाइस आईफोन 13 एक काफ़ी कैपेबल फ़ोन है, ठीक है, अगले 2030 तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड अगर मैं बात करूँ गाइस अगले 4 साल तक तो इसको आराम से यूज़ करोगे, आपको कोई भी कमी नहीं दिखेगी इसके अंदर। बट अगर मैं बात करूँ थोड़ा बहुत इशू आपको बैटरी वगैरह में दिखना चालू हो जाएगा 3 साल के अंदर ही अंदर, एंड ये ऑब्वियसली है गाइस आपको फिर बैटरी रिप्लेस कराना पड़ेगा, एक बैटरी के अंदर ही इशू आता है, ठीक है। तो मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर एक लॉन्ग टर्म के लिए फ़ोन देख रहे हो तो आईफोन 13 बेस्ट रहेगा, आईफोन 12 भी चल जाएगा गाइस। देखो एक साल आप समझ लो कि कम होते हुए चले जाते हैं, ठीक है, मीन्स आईफोन 13 अगर 6 साल परफॉर्मेंस देगा तो आईफोन 12 आपको 5 साल दे देगा, कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हर एक अपडेट करते चले जाओगे, हर एक मतलब जैसे अपग्रेड करते चले जाओगे अपने फ़ोन्स को, जैसे 12 से 13, 13 से 14, तो वैसे ही 2-2 साल आपकी मान लो ये आगे बढ़ और ज़्यादा बैकअप आपको मिल जाएगा, मतलब 2-2 साल की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी। तो आपको दोनों ही फ़ोन में 1 साल का ही फ़र्क देखने को मिलेगा, मीन्स मान लो कि अगर आज के डेट में जो आईफोन 12 की परफॉर्मेंस है वो अगले साल 13 में हो जाएगी, ठीक है, 12 थोड़ा सा और डाउनग्रेड होगा, 13 भी डाउनग्रेड होता चलेगा, बस इतना ही फ़र्क है। तो अब बात ये निकल के आती है कि अगर आपका बजट अगर 38K के अराउंड है तो आपको 12 प्रो की तरफ जाना चाहिए या फिर 12 की तरफ जाना चाहिए, आपका बजट बिल्कुल ही लो है। तो गाइस देखो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है आपके बजट के ऊपर, ठीक है,
बट अगर मेरे ओपिनियन की मैं बात करूँ तो गाइज यहाँ पर दो टाइप के यूजर्स निकालूंगा मैं। एक होते हैं गाइज जो यूजर्स होते हैं जो कॉम्पिटेटिव के लिए खेलते हैं, ठीक है, जो कॉम्पिटेटिव के लिए डिवाइस परचेज करना चाहते हैं, तो उनको मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आप गो फॉर, आप जाओ 13 की तरफ जाओ, 13 की तरफ बेस्ट रहेगा आपके लिए, वही चीज़ बेस्ट रहेगी। बट एक जो नॉर्मल मेरी तरह यूजर है जो एक यूट्यूब करियर बनाना चाह रहे हैं एंड ओवरऑल एक ऑलराउंडर डिवाइस चाहिए, तो आईफोन 12 प्रो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। कोई भी कमी नहीं है, अगर आप आईफोन 13 के जितना आपका बजट है तो आप आईफोन 12 प्रो भी परचेज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। बट गाइज अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो देन मैं आपको यही बोलूँगा कि आईफोन 12 आपके लिए बेस्ट चॉइस रहने वाली है। ऐसे जरूरत नहीं है कि गाइज आपको 13 के लिए पैसे जोड़ते रह जाओ, ऐसी करने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि गाइज अगर जब तक आप आईफोन 13 के लिए जोड़ोगे पैसे तब तक उसकी भी परफॉर्मेंस आईफोन 12 जैसी हो चुकी होगी, ठीक है। तो आपको यही बोलूँगा कि आराम से आप आईफोन 12 की तरफ जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है गाइज, क्योंकि नेक्स्ट 5 साल तक आपका फ्री है, 5 साल तक आप कितना भी यूज़ करो आपको उसके अंदर कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो 12 भी काफ़ी अच्छा डील आप कह सकते हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव प्लेयर हो, चाहे आप नॉर्मल यूट्यूबर हो, चाहे कोई भी हो, तो आप इन फ़ोन पे आप आराम से अपना करियर बना सकते हो, ठीक है। तो गाइज ये थे मेरे कुछ ओपिनियन फ़ोन परचेस करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि तो आईफोन 13 के बारे में, जो एक बेसिकली आईफोन 13 के ऊपर वीडियो है, तो मैं आपको बताऊंगा कि करंट टाइम पे परफॉर्मेंस कैसी है। करंट टाइम पे गाइज देखो, आप चाहे कैसल पे जाओ चाहे कहीं पे भी जाओ, आपको कॉन्स्टेंटली 60 FPS देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ iOS 17 पॉइंट जो भी अपना लेटेस्ट अपडेट है 2.1 वाला, इस पे गाइज थोड़े बहुत आपको फ्लक्चुएशन iPhone 13 में भी देखने को मिलेंगे, तो 57 FPS से लेके 60 FPS के बीच में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। हाँ मैं मानता हूँ ये कुछ ज़्यादा नहीं है, बट हाँ गाइज फ्लक्चुएशन है थोड़ा बहुत, जो मेरा फ़र्ज़ बनता है बताने का तो बता ही रहा हूँ, क्योंकि गाइज देखो अभी iPhone 15 के अंदर भी आपको इतना फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि गाइज अगर आप मेरी वीडियो देख के परचेस करते हो, देन अगर परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आपको मिलता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है गाइज, क्योंकि वो कुछ अपडेट के बाद वो फिक्स हो जाएगा। एंड अगर अभी करंट टाइम पे आपके पास iPhone 13 है एंड उसमें परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो आप दो काम कर सकते हो, या तो आप उसको रीसेट कर दो, या फिर आप थोड़ा बहुत वेट, रीसेट करने के बाद भी फिक्स नहीं होता तो गाइज आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप थोड़ी देर वेट करो, मींस कुछ अपडेट्स के आने का वेट करो, क्योंकि अपना iOS 17 अभी भी कम्प्लीटली स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ओवरऑल अपना सब कुछ परफेक्ट है, iOS 17 इतना ऑप्टिमाइज नहीं है, क्योंकि मेरे iPhone 11 में भी ढंग से अभी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। तो ये थे गाइज मेरे कुछ ओपिनियंस। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव के लिए कोई सा भी फ़ोन, मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ, आपका जैसा बजट बन रहा है, कॉम्पिटिटिव में आपको गेमिंग में करियर बनाना है, कॉम्पिटिटिव खेलना है, तो आप कोई सा भी फ़ोन परचेस कर सकते हो, 12, 13, 12 प्रो आपके ऊपर है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो 13 की तरफ जाओ, मैं आपको एक ही बात बोलूँगा। बट अगर आप नॉर्मल यूज़र हो मेरी तरह हो, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि iPhone 12 भी आपके लिए परफेक्ट रहेगा, ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या गाइस यही थी मेरी आज की कुछ वीडियो, मिलते हैं आपको एक और ऐसी न्यू वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।